नेक्स्ट इज हैमिल्टन सर्किट्स एंड हैमिल्टन पाथ्स। जिस तरह ऑयलर ने ये प्रपोज किया था कि किसी भी आप एक वर्टिक से स्टार्ट होके सारे एजेस को कवर करके अगर आप वापस सेम लोकेशन पे आ जाते हैं तो वो ऑयलर सर्किट होगा। अगर आप किसी एक लोकेशन से स्टार्ट करके सारे एजेस को कवर कर लेते हैं और आपकी डेस्टिनेशन डिफरेंट है डिपार्चर से, तो वो आपका ऑयलर पाथ होगा। सर्किट में आप सेम लोकेशन पे आ जाते हैं ऑयलर सर्किट में, और ऑयलर पाथ में आप डिफरेंट लोकेशन पे चले जाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने सारे एजेस को कवर कर लिया है। इसी तरह हैमिल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने ये कंडीशन दी या इसका मेथड प्रपोज किया था कि से आप वर्टिक से स्टार्ट लें और सारे वर्टिसेस को ट्रिवर्स करके वापस अगर सेम लोकेशन पे आ जाते हैं तो वो आपका हैमिल्टन सर्किट होगा। अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे चले जाते हैं तो वो आपका हैमिल्टन पाथ होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपने वर्टिसेस सारे कवर करने हैं विदाउट एनी रेपिटेशन। एजेस की अब कोई कंडीशन नहीं है। एजेस को आप एक दफा ट्रिवर्स करें, दो दफा करें, तीन दफा करें, कंडीशन इज कि आपने किसी एक वर्टिक्स पे दोबारा नहीं आना। फॉर एग्जांपल यहां से आप यहां पे गए, यहां से यहां पे गए, यहां से यहां पे आ गए, तो वर्टिक्स आपका रेपिटेशन पे आ गया। आपने सारे वर्टिसेस को कवर करना है किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर आप सेम लोकेशन पे आके एंडिंग कर देते हैं, अब ऑब्वियसली सेम लोकेशन पे आके एक रेपिटेशन हो गई है, लेकिन वो स्टार्टिंग और एंडिंग के केस में है सिर्फ। आप सेम लोकेशन पे आके अगर आप एंडिंग कर देते हैं तो दैट इज हैमिल्टन सर्किट। अगर आप सारे वर्टिक्स को कवर करके किसी एक डिफरेंट वर्टिक्स पे जाके एंडिंग करते हैं तो दैट इज हैमिल्टन पाथ। तो इसकी कंडीशंस आप फाइंड करने की कोशिश करें और इस पे फाइंड अप्लाई करने की कोशिश करें, इसमें हैमिल्टन पाथ या सर्किट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इस पे करता है या नहीं करता, और इस पे करता है या नहीं करता। ग्राफ G3, G4 एंड इसको G5 कह लेते हैं, और इन तीनों ग्राफ का आपने सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट करता है हैमिल्टन सर्किट या पाथ का तो आपने कमेंट्स में लिखना है। अगर नहीं करता एग्जिस्ट तो आपने ये भी मेंशन कर देना है कि इस ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करता। इस ग्राफ में हम लेबलिंग कर लेते हैं ताकि आपके लिए सीक्वेंस लिखना आसान हो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। हमने एक सीक्वेंस बना लिया है, ए से लेकर टी तक हर वर्टिक्स को हमने एक असाइन कर दिया है लेबल। यहां पे गोल क्या है कि आपने किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं से भी स्टार्ट कर लें, पूरे ग्राफ में से किसी एक वर्टिक्स है, आप सारे वर्टिसेस को ट्रिवर्स करके वापस सेम लोकेशन पे आ जाते हैं तो दैट इज हैमिल्टन सर्किट। अगर डिफरेंट लोकेशन पे चले जाते हैं तो दैट इज हैमिल्टन पाथ। अब हमारे पास एजेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ एजेस अनयूज्ड भी रह सकते हैं कि आप उनपे एक दफा भी नहीं गए। अगर इफ यू थिंक कि किसी पे आपने मल्टीपल टाइम्स गुजरना है, आप गुजर जाए, प्रोवाइडेड के वर्टिक्स रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ऑल्दो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप कंडीशन फाइंड करें और इनका कमेंट्स में मेंशन करेंगे किसमें हैमिल्टन सर्किट और पाथ एग्जिस्ट करता है और किसमें नहीं करता। और उसके बाद अपना एनालिसिस भी बताएं कि जिस तरह ऑयलर ने कंडीशंस प्रपोज की थी तो हैमिल्टन सर्किट या हैमिल्टन पाथ होने के लिए ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो कि किसी ग्राफ में होनी चाहिए हैमिल्टन सर्किट या हैमिल्टन पाथ होने के लिए। थैंक यू।